हेलो फ्रेंड्स, वे सभी जो अपने लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे शेप में बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल्स की कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा, जिन्हें आप करके आप अपनी हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग और एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल्स की 5 एक्सरसाइज मेरा स्टूडेंट संजू मेरे गाइडेंस में आपको राइट एंगल एंड राइट मूवमेंट के साथ परफॉर्म करके दिखाएगा, जिससे आप अपनी फॉर्म को करेक्ट कर सकेंगे। वर्कआउट शुरू करने से पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट भी बढ़ जाता है और बॉडी का पॉस्चर भी अच्छा होता है। तो आप भी किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम वार्म अप सेट लगाते हैं। तो इस वार्म अप के लिए हम अपना बॉडी वेट स्क्वाट के 2 सेट 20-20 रैप्स के लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेग्स की हैमस्ट्रिंग मसल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स इसे हम स्मिथ मशीन पे लगाएंगे। दोनों हाथों से स्मिथ मशीन की बारबेल को शोल्डर विड्थ से ज्यादा पकड़ते हुए अपने ट्रैप्स के बैक साइड पर रखेंगे और फिर दोनों लेग्स को वाइड स्टैंड पोजीशन में इस प्रकार रखना है कि आपकी टोज आउटसाइड हो और नीज की लाइन में हो। फिर आपको चेस्ट को अप करते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, डीप ब्रीथ लेते हुए नीचे बैठना है और आपकी थाई पैरेलल हो, इस बात का ध्यान रखना है फ्लोर के। और जब ऊपर उठेंगे तो आपकी नीज को स्लाइटली बेंट रखना है और ब्रीथ इन करना है, जैसा कि आप संजू को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी सुमो स्क्वाट्स के 4 सेट 15, 12, 10 एंड 8 रैप्स के वेट को इंक्रीज करते हुए करने हैं। सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट करना है। स्ट्रेंथ की सेकेंड एक्सरसाइज है लेग प्रेस। इसमें सबसे पहले आपको मशीन पर बैठना है और फिर अपने लेग्स की फीट को शोल्डर विड्थ से ज्यादा मशीन के पैड पर इस प्रकार रखना है कि आपकी टोज स्लाइटली बाहर की ओर हो और फिर लेग्स को नीचे की ओर लाते हुए आपको ध्यान देना है कि आपके हिप्स सीट से ऊपर ना उठे। और जब आप लेग्स को ऊपर की ओर प्रेस करें तो आप अपने पैरों की नीज को स्ट्रेट से 10% कम ही रखें, नहीं तो आपको नी की इंजरी हो सकती है। तो आपको करेक्ट फॉर्म में लेग प्रेस के 3 सेट्स 15, 12 एंड 10 रेप्स के वेट इंक्रीज करते हुए लगाने हैं। हैमस्ट्रिंग की थर्ड एक्सरसाइज है लेग कर्ल। इसे आपको लेग कर्ल मशीन पर लगाना है। सबसे पहले आपको मशीन पर प्रॉन पोजीशन में इस प्रकार लेटना है कि आपके नीज मशीन से बाहर की ओर हो और दोनों लेग्स की एंकल रोलर पैड पर हो। फिर दोनों हाथों से मशीन के लेग हैंडल को पकड़ना है और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए जब आप लेग्स को ऊपर उठाएं तो मसल को स्क्विच करते हुए ब्रीथ आउट करें और जब लेग्स को नीचे लाते हुए स्ट्रेच करें तो आपको ब्रीथ इन करें, जैसा कि आप संजू को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी लेग कर्ल के 3 सेट 15, 12 एंड 10 रैप्स के वेट इंक्रीज करते हुए करने हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स की फोर्थ एक्सरसाइज है डंबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसे हम डंबल की सहायता से लगाएंगे। इसमें सबसे पहले आपके लेग्स की पोजीशन शोल्डर विड्थ होनी चाहिए, फिर दोनों हाथों से डंबल को पकड़ते हुए आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। और फिर डंबल को नीचे ले जाते हुए आपको नी को स्लाइटली बेंट करना है और किसी प्रकार का बैक में आर्क ना बने, इस बात का विशेष ध्यान देना है, यानी आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। फिर डंबल को ऊपर लाते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, जैसा कि आप संजू को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी डंबल स्टिप लेग डेडलिफ्ट के 3 सेट 15, 12 एंड 10 रेप्स के वेट इंक्रीज करते हुए लगाने। दोस्तों, हैमस्ट्रिंग की लास्ट एंड फिफ्थ एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन को रोमन बेंच पर लगाएंगे। इसमें सबसे पहले रोमन बेंच पर लगे एंगल पैट या रोलर के नीचे लेग्स की टो को बाहर की ओर रखते हुए लॉक करना है। इसके बाद स्पाइन को सीधा रखते हुए कमर से नीचे की ओर झुकना है और फिर बॉडी को ऊपर पैरों की सीध में लाकर 1 सेकेंड तक होल्ड करना है। इसमें आपको ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाना है, नहीं तो आपको बैक इंजरी हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार आपको हाइपर एक्सटेंशन के 3 सेट 15, 12 एंड 10 रैप्स के लगाने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियो से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय हिंद।